जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण की है, जहां मझौलिया पंचायत भवन में प्रखंड मुखिया संघ की बैठक संघ के प्रखंड अध्यक्ष मझौलिया मुखिया सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं सहित मनरेगा आवास योजना तथा जन कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त विभागीय कर्मियों की दखल अंदाजी एवं अवैध उगाही पर आक्रोश जताते हुए मुखिया संघ ने लिखित शिकायत मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार पांडे से किया। प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सत्य प्रकाश ने बताया कि अगर विकास योजनाओं में विभागीय कर्मियों की दखल अंदाजी और मनमानी नहीं रुकी तो मुखिया संघ जबरदस्त विरोध करेगा और इनके विरुद्ध वरीय अधिकारियों को सूचित करते हुए इनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करेगा। कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार पांडे ने मुखिया संघ को आश्वस्त किया कि किसी भी तरह की दखलअंदाजी और अवैध उगाही को सबूत के साथ प्रस्तुत करें, संबंधित कर्मी के खिलाफ अवश्य उचित कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर अरुणा देवी, आशीष भट्ट, डॉक्टर चंद्रिका शाह, साजिदा तबस्सुम, कमलपति देवी, गिरिजा देवी, आशा देवी, सौदागर शाह, प्रियंका यादव सहित मुख्यापति मोहन गुप्ता, अली असगर इकबाली, राम संतोष कुमार यादव, किशुन देव पंडित आदि उपस्थित थे। बैठक उपरांत जिला मुख्तार संघ के सदस्यों ने संभावित चनपटिया में रजिस्ट्री ऑफिस ले जाने के विरोध में मुखिया संघ के अध्यक्ष सत्य प्रकाश को इसके विरुद्ध बतौर जनप्रतिनिधि आवाज उठाने के लिए अपील करते हुए एक आवेदन सौंपा, जिस पर संघ द्वारा सर्वसम्मति से रजिस्ट्री ऑफिस को चनपटिया ना ले जाकर बेतिया में ही रहने देने की वकालत करते हुए संघ को हर तरह से सहायता करने का आश्वासन दिया। संघ द्वारा हर एक महीना में एक मुख्य संघ द्वारा मीटिंग रखा जाता है, जो मतलब पंचायतों में कोई भी दिक्कत मुख्य संघ मुखिया को हो रहा है उस पर बात करके या ब्लॉक के द्वारा कोई भी ऐसे बात करती है जो मुखिया लोगों को प्रताड़ित किया जाता है या उनको कोई सूचना नहीं रहता है। यहाँ पे वीडियो सीओ और जो मनरेगा के सीओ हैं उनके द्वारा जो मनमानी कार्य किया जा रहा है बिचौलियों के द्वारा, उस चीज़ के लेकर हम लोग बैठे थे और अभी हम लोग सब बातों पर विचार कर चुके हैं और पूरी मुखिया संघ की टीम अभी फिर से ब्लॉक में जाएगी, मनरेगा टीम मनरेगा में भी जाएंगे, हम लोग बात करेंगे कि अगर ऐसा दोबारा ऐसा हुआ, जैसे हम लोग के बीच एक समस्या आया था रामनगर बनकर बनकट के जो वहाँ पे इंद्रावास सहायक है जो लाखों मतलब पैसा लूट कर गरीबों का वो भाग चुका है, दो तीन महीने से वो पंचायत में जा नहीं रहा है। ऐसे हर एक बहुत सारे पंचायत से ऐसा खबर मिल रहा है कि कोई भी ऐसे इंद्रावास सहायक या कार्यपालक सहायक है जो टाइम से समय पर पंचायत में नहीं जा रहे हैं, ये सब चीज़ पर हम विचार करके अभी हम लोग ब्लॉक में जा रहे हैं। आज यही सब इंद्रावास सहायक, इंद्रावास और मनरेगा, मनरेगा के और जो एक और हम लोग बीच आई है जो मझौलिया अंचल का, जो मझौलिया अंचल का जो रजिस्ट्री ऑफिस है बेतिया, वो चनपटिया स्थापित हो रहा है, ऐसा हम लोग को सुनने को मिला और लेटर भी हम लोग देखे हैं। तो मुखिया संघ इस चीज़ के लिए लड़ेगी और हाई कोर्ट में रिव्यू फाइल करेगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।